आज हम बनाएंगे बाजार जैसी रसीली कुरकुरी जलेबी घर पर सिर्फ 10 मिनट में बहुत ही आसानी से। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 1 कप उड़द की दाल को अच्छी तरह से धोकर 3 से 4 घंटे तक के लिए भिगो लिया। अब हम मिक्सर में इसका पेस्ट तैयार करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब मैंने यहाँ 3 कप चीनी लिया है और 3 कप चीनी में मैं 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। अब इसमें 3-4 इलायची डाल रही हूँ। चीनी घुलने के बाद इसमें मैं 1 चम्मच नींबू का रस डाल देती हूँ। अब मैं यहाँ 1/2 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ। इसे अच्छी तरह से चलाने के बाद हम इसकी 1 तार की चाशनी बनाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी चाशनी बनकर तैयार है। अब जो हमने यहाँ पेस्ट तैयार किया था, इसमें मैं 3 स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ। इसे डालकर अच्छी तरह से मिला लूँगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस तरह से, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ मैं 1 चम्मच पानी डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद पानी में डालकर इसे चेक कर लेते। पानी के ऊपर तैर रहा है, इसका मतलब है हमारा बैटर तैयार है। अब यहाँ मैंने 1 पैकेट लिया है, आप किसी तरह का भी पैकेट ले सकते हैं। इसमें बैटर को डाल दूंगी इस तरह से और एक छोटा सा कट लगा दूंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब मैंने यहाँ तेल गर्म होने के लिए रखा है। तेल गर्म हो चुका है या नहीं इसे हम चेक कर लेंगे। तेल हमारा मीडियम गर्म हो चुका है। अब हम यहाँ एक एक कर जलेबियों को इस तरह से शेप देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अब हम एक एक करके सभी जलेबियों को पलट देंगे। जलेबियाँ अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और इसका कलर भी अच्छा आ चुका है। अब हम जलेबियों को चाशनी में डालेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 से 7 मिनट के बाद हम इसे निकाल लेंगे और ये हमारी जलेबियाँ बनकर तैयार हैं। ये कितनी अच्छी बनी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।